हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ नंबर सवाल समझाया जाएगा। फिफ्थ नंबर सवाल कह रहा है, आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब PS पी क्यू समांतर SR, कोण SQR बराबर 28 अंश और कोण QRT बराबर 65 अंश है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करना है, तो लेते हैं तो इसमें देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, तो बहिष्कोण प्रमेय से ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा, तो ये वाला कोण हमको पता हो जाएगा। और फिर जो है ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। जब ये कोण आ गया है तो ये 90 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये प्लस ये 180 घटा देंगे तो ये इसका मान आ जाएगा। तो हल करते हैं तो लिखेंगे कोण QSR में, QRS में, त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में कोण QRT इक्वल टू कोण RQS ये वाला कोण प्लस कोण QSR ये वाला कोण। ये दोनों, ये जो बना है कहाँ से आ गया, बहिष्कोण प्रमेय से। यहाँ लिख दीजिए बहिष्कोण प्रमेय से, तो QRT का मान कितना दिया, 65 अंश, तो रख दीजिए 65 अंश इक्वल टू RQS 28 अंश और QSR हमको ज्ञात करना है। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो 65 अंश से 28 अंश माइनस हो जाएगा, इधर बचा QSR, तो घटाएंगे 15 से 8 गए 7 और 5 से 2 गए 3, अर्थात 37 अंश आ गया। अब लिखेंगे PQ समांतर SR या RS, ये कहाँ से है दिया है, तो कोण PQS बराबर कोण QSR, कोण PQS बराबर कोण QSR कहाँ से आ गया, ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो QSR कोण कितना है, 37 अंश, रख देंगे, अतः कोण PQS बराबर 37 अंश, ये 37 अंश आ गया। PQS का मतलब क्या हुआ, X, तो X बराबर 37 अंश। अब त्रिभुज PQS में लीजिए, त्रिभुज PQS में तो कोण PQS प्लस कोण QPS ये वाला कोण प्लस कोण PSQ ये वाला कोण, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मान रखेंगे PQS यानी X प्लस QPS 90 डिग्री प्लस PSQY इक्वल टू 180 अंश। X का मान कितना, 37 अंश, रख दीजिए 37 अंश प्लस 90 अंश प्लस y इक्वल टू 180 अंश,
जोड़ दीजिए तो 707 9312 127 अंश प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश। 127 अंश जब पक्षांतर कर देंगे तो वाई इक्वल 180 अंश माइनस 127 अंश। घटाएंगे तो 10 से 7 गए 3, 7 से 2 गए 5 और 1 से 1 कुछ नहीं तो 53 अंश। वाई का मान आ गया 53 अंश और एक्स का मान आ गया 37 अंश। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः एक्स बराबर 37 अंश और वाई बराबर 53 अंश आंसर।